हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। तो आज एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो में दोस्तों, कि आप अपने मोबाइल फोन में जो भी फोटोज होती है वो गलती से भी डिलीट हो जाती है, तो उस फोटो को रिकवर कैसे करेंगे अपने गैलरी में दोस्तों, ठीक है। तो बताएंगे उस एप्लीकेशन के बारे में, उसको यूज कैसे करेंगे। आपके मोबाइल में 5 साल या 6 साल 10 साल की पुरानी फोटो होगी अपने मोबाइल में दोस्तों, और वो डिलीट हो गई होगी, तो वो भी वापस आ जाएगी दोस्तों अपने मोबाइल में। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं आपको क्या करना है और कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है दोस्तों। तो मैं हूं अपल चावड़ा वाला, आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा शो। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। हम ऐसी नई नई एप्लीकेशन के बारे में वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, तो चले गए शुरू करते हुए। आज हम आपको बताएंगे अपने फोटो में जो गैलरी में फोटोज होती है दोस्तों, अगर वो गलती से डिलीट हो जाती है तो उसको वापस कैसे लाएंगे दोस्तों। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी पुरानी अगर आपकी फ़ोटो डिलीट हो गई होती है दोस्तों, तो वो भी वापस आ जाएगी इस एप्लीकेशन की मदद से। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन का नाम है जिसके डिकर एप्लीकेशन आती है, इसमें सारे फ़ोटो आ जाते हैं डिलीट हो गए होंगे कोई भी फोटो, तो वापस आ जाते हैं दोस्तों। तो चले जाते हैं अपने प्ले स्टोर अकाउंट में और बताते हैं आपको उसको डाउनलोड कैसे करना है। चले जाते हैं अपने प्ले स्टोर अकाउंट में, और प्ले स्टोर अकाउंट में आपको जाके आपको सर्च करना है दोस्तों डिस्क डिगर एप्लीकेशन के, डिस्क डिगर आपको टाइप करना है। डिस्क डिगर आप टाइप करोगे दोस्तों, ठीक है, तो ये देखिए ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी आपके मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों। प्ले स्टोर में डिस्क डिगर फोटो रिकवरी दोस्तों, ये वाली एप्लीकेशन को आपको कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। ये देखिए उसका लोगो भी आप देख लेना कैसे डाउनलोड करना है। डिस्क डिगर फोटो रिकवरी ये आप सर्च करोगे तो आ जाएगी दोस्तों, और इसको कर लेंगे डाउनलोड। और डाउनलोड होने के बाद आपको चले जाना है वो वाली एप्लीकेशन में दोस्तों। ये देखिए हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है दोस्तों, और इसको कर लेते हैं ओपन। और आपको इधर से आपको स्टार बेसिक फोटो स्कैन दोस्तों उस पर सर्च कर देना है दोस्तों, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और हमारे गैलरी में, हमारे मोबाइल में गैलरी में जो भी फ़ोटो होंगी या फिर डिलीट हो चुकी होंगी दोस्तों, वो सब फ़ोटो इधर स्कैन होती है, यानी कि बैकअप आती है दोस्तों। इधर से आपको सारी फ़ोटो शो करेगी दोस्तों, बहुत सारी फ़ोटो होगी हमारी जब से मोबाइल हमने ख़रीदा है, ठीक है, तब से लेकर आज तक जितने भी फ़ोटो आई है हमारी गैलरी में या फिर डिलीट हो चुकी है, ठीक है, वो सारे फ़ोटो इधर आ जाके दोस्तों। और इसको हम बता दें कि आपको फ़ोटो बैकअप कैसे लेना है, ठीक है। तो इधर से हम आपको 2-3 फ़ोटो सिलेक्ट करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारी सारे फ़ोटो जो पहले डिलीट हो चुकी है, ठीक है, वो भी फ़ोटो इधर आ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत सारी फ़ोटो जो है जो हमने मोबाइल से डिलीट कर दी है, ठीक है, तो वो फ़ोटो हम, ये देखिए आपको फ़ोटो बैकअप कैसे लेना है दोस्तों। ये देखिए इधर आपको क्लिक कर देना है, इधर राइट कर देना है, फिर इधर से जो भी फ़ोटो आपको बैकअप चाहिए अपने मोबाइल में वो फ़ोटो सारे इधर सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। ये फ़ोटो हमने सारे सिलेक्ट कर दिए, और इधर रिकवर पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और इधर सेव फाइल टू कस्टम लोकेशन दोस्तों, उस पर दूसरे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और जो भी फोल्डर में आप वो फ़ोटो डालना चाहते हो, ठीक है, रिकवर वापस लेना चाहते हो, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है दोस्तों। हम इधर से जेंडर पे सिलेक्ट कर देंगे और इधर ओके कर देंगे, ठीक है। इधर से हमने ओके कर दिया दोस्तों वो वाली एप्लीकेशन को, और हमारी जो फ़ोटो है वो चली गई है अपने गैलरी में दोस्तों। तो हम आपको गैलरी में जाके दिखा देते, अपने फाइल मैनेजर में जाके दिखा देते आपको कि वो फ़ोटो हमारी आ गई है, ठीक है। इधर से फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देंगे, और वो हमने डाली है जेंडर वाले फोल्डर में दोस्तों। को आपको जेंडर वाले फोल्डर में चले जाके आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये जेंडर वाला फोल्डर है हमारा। और ये देखिए दोस्तों हमने जो फ़ोटो अभी रिकवर किए वो सारे फ़ोटो इधर आ चुके हैं दोस्तों। ये हम देखिए ये वाले फ़ोटो हमने रिकवर किए, ये वाले सारे फ़ोटो की थी दोस्तों। ये देखिए हमारी फ़ोटो वापस आ गई है दोस्तों, हमारे मोबाइल से जो वो डिलीट हो चुकी थी वो दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी यूनिक एप्लीकेशन है दोस्तों, तो फ़ोटो को रिकवर करने के लिए ये एप्लीकेशन आप बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो ऐसे नए नए एप्लीकेशन के बारे में वीडियो लाते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच।